मैनपुरी में बदमाशों के भय से एक परिवार गांव से पलायन करने पर मजबूर हो गया है। न्याय की आस लेकर कलेक्टर परिसर में परिवार के लोगों ने डेरा डाल दिया है। पिछले 3 दिनों से ट्रैक्टर ट्रॉली में भूखे प्यासे ये लोग दिन रात काट रहे हैं। पीड़ित जयपाल लोधी ने दबंगों पर जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया है। लोधी ने ये आरोप भी लगाया है कि विरोध करने पर दबंगों ने इतना उत्पीड़न किया कि मजबूर और भयभीत होकर पलायन को मजबूर हैं। न्याय की आस लेकर ये परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचा और तिकोनिया पार्क में डेरा जमा दिया। 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी आला अधिकारी ने पीड़ित की फरियाद नहीं सुनी है। मामला प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्नोत्री के विधानसभा क्षेत्र भोगांव के ग्राम कंसपुर का है। बताते चलें कि गांव निवासी जयपाल लोधी की 21 बिस्वा जमीन पर गांव के ही दबंगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। जयपाल पत्नी और बच्चों के साथ न्याय की आस में पिछले 3 दिन से बैठा हुआ है। नाम भैया आपका? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जी, जब बताइए गांव क्यों छोड़ा है और यहाँ कितने दिन से हो? दबंगों की दबंगई से मतलब जो है मैं छोड़ना पड़ा। वे लोग जो है हमें 8 साल से बराबर परेशान कर रहे हैं। कौन लोग हैं, क्या नाम है? लोधी हैं साहब। नाम क्या है? रविंद्र, रविंद्र, देवेंद्र, नितिन आदि। तो आप यहाँ कलेक्ट्रेट पे पिछले 3 दिन से हो? हाँ। पूरे परिवार के साथ क्या किसी अधिकारी से मिले अब तक? अधिकारी से पहले मिले थे और परसों से DM साहब छुट्टी होते। हाँ। इस वजह से हमने की जो है यही रुक ले मंदिर। अच्छा, तो आज DM साहब से मिले तो क्या हुआ, क्या क्या? DM साहब से मिले तो उन्होंने थाने के लिए लिख दिया कि थाने जाइए, कल थाना दिवस है ये बोल दिया, और अभी कोई निर्णय तो नहीं है। तो अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो यहीं रुकेंगे क्या? तो यही रुकेंगे, यहीं गाँव नहीं जाओगे? मैं सामान के आ गया। तुम? हाँ, मैं सामान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।